नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं AOSP Android 12 के स्टेबल कस्टम रॉम के बारे में। हाँ जी भाई साहब, ये जो रॉम है दोस्तों Android 12 का AOSP का सबसे पहला कस्टम रॉम है, जो कि अपना रेबनोट 7S के लिए अवेलेबल हुआ है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था AOSP रॉम का Android 12 के लिए, तब दोस्तों बीटा 5 था। इस बार ये जो रॉम है दोस्तों रिसेंटली जो अक्टूबर 4 के अंदर एंड्रॉयड 12 का ऑफिशियल जो रिलीज हुआ है, वहाँ पर जो सोर्स कोड को यूज़ किया गया है वो सेम सोर्स कोड यहाँ पर यूज़ किया गया है अपने रेबनोट 7 के लिए एंड्रॉयड 12 का फ्लैशेबल कस्टम रॉम, जो कि अभी के अभी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास रेबनोट 7 है तो उसके अंदर अभी के अभी आप एंड्रॉयड 12 का मजा ले पाओगे। क्या क्या फीचर्स देने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बग्स देने को मिलेगा, सब कुछ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मैंने दोस्तों एंड्रॉयड 12 का बीटा के लेके वीडियो किया था, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, ऑलमोस्ट सभी बीटास को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। एंड अभी फिलहाल मैं स्टेबल रॉम की यूज़ कर रहा हूँ। एंड स्टेबल रॉम के बाद मैं एक चीज़ नहीं कहना चाहूँगा, जो AOSP बिल्ड इस बार लॉन्च किया गया है गूगल की तरफ से काफ़ी बढ़िया है। कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर जो मेटेरियल यू का सपोर्ट है वो इतना बढ़िया नहीं है। आपको जो मेटेरियल यू का सपोर्ट हमें पिक्सल्स के अंदर देखने को मिल रहा था वैसा नहीं है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर अपना वॉलपेपर के अंदर, वही सेम कलर यहाँ पर जो अपना टॉगल्स है उसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो अपना मेटेरियल यू का सपोर्ट है वो इतना बढ़िया नहीं है एज फॉर नाउ। यहाँ पर जो है आपको अलग से एक्सटेंशन को इनेबल करना होगा, उसके बाद जो आपका मोनेंट है वो इनेबल होता है। सो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है पिक्सल्स के अंदर वन एंड ओनली। अभी फिलहाल जो अपना AOSP बिल्ड है उसके अंदर मोनेंट का सपोर्ट देने को नहीं मिलता है। जो वॉलपेपर बेस्ड थीम इंजन का सपोर्ट है हमें अभी फिलहाल AOSP के अंदर देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बिल्ड इस बिल्ड के सीरीज मेनू के अंदर चलते हैं। सीरीज मेनू यहाँ पर कुछ इस तरह से है, चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। देखिए सकते हो यहाँ पर पिक्सल 5 लिखा आया है एंड देखिए सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 हमें देने को मिल गया है। एंड कुछ इस तरह से हमें एंड्रॉयड 12 का जो स्टोरेज है वो देखने को मिलता है, काफ़ी फास्ट है आई गेस। देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो 5th October 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, एकदम लेटेस्ट वाला है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया गया है पीडेटेड स्टोमबेकर X4.8 कर्नल को यूज़ किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। सो एंड्रॉयड 12 ऑफिशियली देखने को मिल गया है रेबनोट 7 के अंदर इस बिल्ड के साथ। बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स को अलग है। सबसे पहले ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर जो GApps उसे फिक्स कर दिया गया है। GApps के अंदर इशू देखने को मिल रहा था उसे फिक्स किया गया है। यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन है सभी को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर आपका बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। प्री इंस्टॉल आपको देने को मिल जाती है, आपको अलग से प्ले स्टोर को डाउनलोड नहीं करना होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। सो एसी लिनक्स के अंदर आपको इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड देने को मिलता है, तो आपको सिक्योरिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। और एक चीज़ की मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो पावर बटन है दोस्तों, ये जो पावर बटन है इसके अंदर एक इशू है छोटा सा। अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रहोगे तो आपका जो क्या कहते हैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। मतलब आप पावर बटन को होल्ड करने के बाद आपको जो पावर मेनू आना चाहिए था, पावर बटन मेनू जो आना चाहिए था, आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर आपको सिस्टम में जाना होगा, सिस्टम में जाने के बाद आपको गेस्चर्स में जाना होगा एंड गेस्चर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन देने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रहोगे तो अपना जो गूगल असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाता है। तो ये जो चीज़ हमें देने को मिलता है, तो हम इसे अगर बंद भी कर देंगे फिर भी उस पावर बटन को होल्ड करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो हम किस तरह से फ़ोन को पावर ऑफ पावर ऑन कर सकते हैं और किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर जो अपना स्टेटस बार है इसके अंदर आइए एंड यहाँ पर आपको जो है पावर बटन का जो ऑप्शन है, जो आइकन है वो देखने को मिलता है, तो इसमें टाइप कीजिए। इसमें टाइप करने के बाद आपको इमरजेंसी लॉकडाउन पावर ऑफ एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो और पावर ऑफ कर सकते हो। मान लेते आप यहाँ से अगर पावर ऑफ कर देते हो, पावर ऑफ करने के बाद किस तरह से आप फोन को ऑन करोगे, तो सिंपली यहाँ पर जो पावर बटन है इसे प्रेस करके रहोगे तो फोन आपको ऑन हो जाएगा। तो ये जो पावर बटन का ऑप्शन है, तो ये पावर बटन के अंदर अभी फिलहाल कुछ इशू देखने को मिल रहा है अपने रेबनोट 7 के अंदर, जो कि होपफुली नेक्स्ट बिल्ड के अंदर फिक्स हो जाएगा। एंड बाकी यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा था जो बिल्ड है दोस्तों AOSP के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है एंड्रॉयड 12 की तरफ से। तो यहाँ पर पिक्सल के अंदर जो एंड्रॉयड 12 हमें देने को मिल रहा है उसके अंदर मोनेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर वॉलपेपर बेस्ड थीम इंजन का सपोर्ट देखने को मिलता है। वही सेम फीचर्स को यहाँ पर AOSP के अंदर रिलीज नहीं किया गया है। यहाँ पर आप जो भी वॉलपेपर को डालोगे उसके ऊपर बेस करके आपका जो पीछे का जो थीम है और जो अपने सर्वर के अंदर जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, तो उसे भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर जो कर्नल को यूज़ किया गया है ES Old Cam को यूज़ किया गया है
एंड विजेट्स की अगर बात करूँ, विजेट्स को पूरा तरीके से रीडिजाइन किया गया है। आपको मैं विजेट्स के अंदर ले चलता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर विजेट्स को पूरी तरीके से रीडिजाइन किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। आपको एंड्रॉइड 12 का जो स्टार्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपको एंड्रॉइड 12 का जो स्टार्ट है देखने को मिलता है, जो ये काफ़ी शानदार है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड 12 का स्टार्ट को, जो कि बढ़िया बात है। एंड आपका जो नोटिफिकेशन यूआई है पूरा कंप्लीट तरीके से चेंज हो चुका है, देख सकते हो टॉगल्स कुछ इस तरह सबको देखने को मिलता है। आई होप यू कैन सी इट। एंड आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे ऑन करते हुए देखो और भी अच्छे से देख पाओगे। तो एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन है ये भी काफ़ी शानदार है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एज वेल आपको डेडिकेटेड डार्क मोड भी आपको देखने को मिल जाती है। एज उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना माइक्रोफोन एंड कैमरा इंडिकेटर ये भी डाल दिया गया है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका माइक और कैमरा यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। एज वेल यहाँ पर आपको जो डॉट है ब्लू कलर की डॉट वो भी देखने को मिल जाएगी, जो कि शायद अपना जो आईफोन है उससे लिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना स्क्रीनशॉट है उसके अंदर शायद आप चाहो तो जो क्या कहते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट है उसका भी सपोर्ट देने को मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल गया है, जो काफ़ी शानदार है। आप इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। काफ़ी स्मूथ हो चुका है मेरे हिसाब से, ये जो फीचर्स है शायद iOS से लिया गया है, बढ़िया है, यहाँ से आप सेव भी कर पाओगे। सो iOS से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर इंस्पायर हो सकता है। प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो सपोर्ट है वो भी डाल दिया गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। सिंपली प्राइवेसी के अंदर चलते हैं, कुछ इस तरह से आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। एंड राउंडेड कॉर्नर का जो सपोर्ट है इस बार आ चुका है, बहुत सारी डिवाइस के अंदर जो राउंडेड कॉर्नर है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस बार राउंडेड कॉर्नर का सपोर्ट जो है एंड्रॉइड 12 फुली करती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ब्लर का ऑप्शन है, कलर फिल्टर का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को मैंने रन किया था, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सो यहाँ पर हमने जो सिपोथोलिन टेस्ट उसे रन किया था, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट है हम रन किया था। एंड देखिए पा रहे हो यहाँ पर मैक्स गया है 151, एवरेज है 142, मिनिमम है 132 एंड 92% के यहाँ पर हमें मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो मैक्स वो गया है 2.20 GHz तक चला गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हो काफ़ी शानदार है। मैक्स जो है 140 के ऊपर है, तो अपना जो रेवनोट 7 है फुल परफॉर्मेंस मोड में काम कर रहा है। तो पीरियड स्टोबेवर कर्नल के साथ काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है एंड्रॉइड 12 के साथ, जो कि सरप्राइजिंगली काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉइड 12 का, पहला बिल्ड है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर बीच Geekbench 5 के बारे में। तो Geekbench 5 के अंदर 3, 2, 4 देखने को मिल गया है, सिंगल कोर के अंदर। मल्टी कोर के अंदर 1408 देखने को मिल गया है एंड एंड्रॉइड 12 यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। एवरेज एंड मल्टी कोर, एवरेज जो सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर आया है काफ़ी शानदार है। तो अगेन Geekbench के अंदर भी काफ़ी अच्छे स्कोर आया है। बात कर लेते हैं 3D Mark के अंदर, 370 हमें देखने को मिल गया है 3D Mark के वाइल्ड लाइफ के अंदर। एंड 2.20 का जो FPS वो भी देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हो गूगल पिक्सल 5 लिखा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करूँ अपना सेपनेट की, तो यहाँ पर हमने जो है रूट को नहीं किया है, मतलब हमने यहाँ पर जो मैजिक से उसे इंस्टॉल नहीं किया है। मैजिक को इंस्टॉल करने के बाद शायद दोस्तों जो है रूट फिर भी दोस्तों फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बग देखने को मिला है एंड्रॉइड 12 के जो AOSP बिल्ड है कस्टम रॉम का, इसके अंदर एक बग है। इसके अंदर आपका जो सेपनेट है तो फेल्ड हो जाएगा। अगर आप मैजिक को इंस्टॉल करोगे, मैजिक हाइट को इंस्टॉल करोगे, फिर भी दोस्तों आपका जो सेपनेट है फेल्ड हो जाएगा। इसे बहुत जल्दी फिक्स करके दिया जाएगा। एज पर नाउ आप दोस्तों जो गूगल पे फोनपे सरके एप्लीकेशन है इस रॉम के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे, बट बहुत जल्दी इस बिल्ड को फिक्स करके दिया गया है, ये जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स करके दिया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना इस रॉम के अंदर अगर आप मतलब इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप कोई भी SD कार्ड को यूज़ करना चाहते हो अपने TDW रिकवरी के अंदर, तो आपको अलग से TDW को फ्लैश करना होगा। बाय डिफॉल्ट जो TDW रिकवरी है उसके साथ इस रॉम के साथ आप SD कार्ड को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप SD कार्ड यूज़ करते हो तो आपको इस रॉम को इंस्टॉल करने के बाद दूसरा एक TDW रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा, तभी दोस्तों जो SD कार्ड है उसे आप यूज़ कर पाओगे। एक्चुअली दोस्तों एंड्रॉइड 12 जो है रेवनोट 7 के अंदर बीटा के अंदर बहुत टाइम से था, तो क्योंकि ये जो बिल्ड है दोस्तों बीटा के अंदर हमने रिव्यू किया था। उसके साथ साथ दोस्तों बीटा के अंदर बहुत से अलग अलग डेवलपर ने रेवनोट 7 के लिए एंड्रॉइड 12 को ट्राई किया था, तो इसलिए ये जो एंड्रॉइड 12 है काफ़ी बढ़िया है, आराम से डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकता है। अभी फिलहाल जो बग्स हमें देखने को मिल रहा है सेफ्टीनेट के अंदर, उससे बहुत ही जल्दी फिक्स करके दिया जाएगा फॉर श्योर। कैमरा टू की अगर बात करूँ तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को यहाँ पर मिल गया है, जो कि काफ़ी शानदार है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको जो गूगल कैमरा गो है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह से कैमरा इंटीग्रेट भी देखने को मिल जाती है, ग्रीन कलर का डॉट भी आ चुका है। सो अपना जो गूगल कैमरा गो है वो भी काम करता है, कैमरा टू भी काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है।
एंड यहाँ पर देख सकते हो जो आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था, सिलेक्ट का ऑप्शन था, वो भी रिसेंट पैनल से हटा दिया गया है। जैसे आपको बोला AOSP के अंदर बहुत से फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि हमें पिक्सल के अंदर देखने को मिल गया था। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के और सेट कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।